देखिए क्वेश्चन है, प्रूफ दैट द इंटरसेप्ट ऑफ अ टेंजेंट बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। देखिए दो पैरेलल टेंजेंट है इस सर्कल पे, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश। एक और टेंजेंट है मान लेते हैं ए बी, जो इन दो पैरेलल टेंजेंट पे इंटरसेप्ट कर रहा है। तो ये हम मान लेते हैं ए बी, ए पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रहा है ऑन टेंजेंट एक्स वाई, और बी पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रहा है ऑन टेंजेंट एक्स डैश वाई डैश। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो ए बी टेंजेंट है ये एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पे, मींस इनको और इनको ज्वाइन कर दीजिए, तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री होना चाहिए। तो देखिए तो हमें यहाँ प्रूफ करना है ये जो एंगल है ए ओ बी ये 90 डिग्री होना चाहिए। तो एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हमें प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन पार्ट में ओ सी को ज्वाइन कर दीजिए, कंस्ट्रक्शन पार्ट में लिख लेते हैं ज्वाइन ओ सी, इतना क्लियर। अब देखिए यहां पे दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ट्रायंगल ओ पी ए और दूसरा ट्रायंगल ओ सी ए, इतना क्लियर। इन ट्रायंगल ओ पी ए एंड ट्रायंगल ओ सी ए, ओ पी क्या है रेडियस है, ओ सी क्या है रेडियस है, तो दोनों की लेंथ इक्वल होगी। ओ पी इक्वल्स टू ओ सी, बोथ आर रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। नाउ ए अगर हम एक्सटीरियर पॉइंट माने और यहां से दो टेंजेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं सर्कल पे ए पी और ए सी, तो इनकी लेंथ भी इक्वल होगी। ए पी इक्वल्स टू ए सी, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, और OA जो है इन दोनों ही ट्रायंगल में क्या है कॉमन है, OA इक्वल्स टू OA कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। तो बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हुए कॉन्ग्रुएंट। सो ट्रायंगल OPA ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल OCA के बाय SSS रूल, इतना क्लियर। सो यहां से हम कह सकते हैं कि एंगल ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये दोनों एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे। तो एंगल POA मीन्स ये एंगल और ये एंगल मीन्स COA ये दोनों इक्वल होंगे बाय CPCT, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, इतना क्लियर। इस रिलेशन को हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखिए, तो देखिए इन ट्रायंगल ओ क्यू बी एंड ट्रायंगल ओ सी बी, तो यहां अगर ओ सी और ओ क्यू की बात करें तो ये रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है तो इक्वल होंगे। तो ओ सी इक्वल्स टू ओ क्यू रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। बी एक्सटीरियर पॉइंट माने तो इस बी पॉइंट से इस सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं बी क्यू और बी सी, तो इनकी भी लेंथ इक्वल होगी। बी क्यू इक्वल्स टू बी सी, ये लॉजिक लिख लीजिएगा यहां, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। नाउ ये जो है ओ बी इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, ओ बी इक्वल टू ओ बी कॉमन है। तो अगेन बाय SSS रूल हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हुए कॉन्ग्रुएंट। सो ट्रायंगल ओ क्यू बी ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ओ सी बी के। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों एंगल है ये क्या होंगे इक्वल होंगे। देखिए एंगल सी ओ बी ये इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल क्यू ओ बी के बाय CPCT।
और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर टू। इतना क्लियर? नाउ देखिए, अब पी क्यू क्या है यहां, डायमीटर ऑफ द सर्कल है। तो सिंस पी क्यू इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, यहां से हम कह सकते हैं ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री होगा, क्योंकि पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो देखिए, सो ये एंगल मीन्स एंगल पी ओ ए प्लस ये एंगल मीन्स सी ओ ए प्लस ये एंगल मीन्स सी ओ बी प्लस ये एंगल मीन्स क्यू ओ बी, इन सब का सम 180 डिग्री होगा। इतना क्लियर? नाउ फर्स्ट रिलेशन से हमारे पास है एंगल पी ओ ए इक्वल टू एंगल सी ओ ए। तो पी ओ ए और सी ओ ए ये दोनों इक्वल है, तो इन दोनों ही के प्लेस पे हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल सी ओ ए प्लस सेकेंड रिलेशन से हमारे पास है सी ओ बी और क्यू ओ बी, ये एंगल इक्वल है। तो एंगल सी ओ बी प्लस एंगल क्यू ओ बी, इनके प्लेस पे हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल सी ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों से टू कॉमन ले लीजिए, तो ये बन मिल जाएगा एंगल सी ओ ए प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन टू, ये टू नीचे आ गया तो 90 डिग्री। नाउ एंगल सी ओ ए मीन्स ये एंगल प्लस एंगल सी ओ बी, तो सी ओ बी ये एंगल कितना आ गया 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं और ये पूरा एंगल है ए ओ बी, सो एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। और यहां लिख लीजिएगा ये दोनों ट्वाइस कैसे हुआ, बाय यूजिंग ये दो रिलेशन का यूज किए हैं 1 एंड 2, यही चीज हमें प्रूफ करना था। क्लियर?